दोस्तों बिला ताकीर व तमसील मैं आपके अपने इलाके के शायर अवैस राही को इन मिसरों से आवाज देता हूं कि दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं, बेसबब हमको न दबाने की कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। अवैस राही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। आज के इस मुशायरे के सदर जनाब हजरत मुन्ना बाबा कादरी और इस प्रोग्राम के अध्यक्ष जनाब महफूज कुरैशी साहब और मेरे बड़े भाई फारूक जिया साहब, सबसे पहले मैं अपना सफर आगाज करने से पहले इनकी इजाजत चाहता हूं। जी पढ़िए साहब। आइए एक मतला और एक शेर से अपने सफर का आगाज करता हूं, जो कि मैंने तरीकत के हवाले से इस शेर को कहा है कि मैं गुम हूं तेरी इस वफा से पहले, कि मैं गुम हूं तेरी इस वफा से पहले, मुझको ढूंढ लेना मेरी कजा से पहले। क्या कहने अच्छा है कि मुझको ढूंढ लेना मेरी कजा से पहले, मैं गुम हूं तेरी इस वफा से पहले, मुझको ढूंढ लेना मेरी कजा से पहले, और मैं मरीज इश्क हूं मेरा तबीब है तू। वाह वाह वाह। कि मैं मरीज इश्क हूं मेरा तबीब है तू, मुझको शिफा दे दे तेरी दवा से पहले। क्या कहने अच्छा मुझको है, मुझको शिफा दे दे तेरी दवा से पहले। हजरत गिरामी, आजकल जो सियासी मामला और जो गजल के मामला जो चल रहे हैं, शायर जनाब इकबाल साहिब साहब जो बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं, आपको गजल का इन्होंने पूरी तारुफ कराया कि गजल किस जमाने से किस तरफ गुजर गई। असल में गजल का जो मायनी होता है वो महबूबा के जुल्म को संवारने का होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरते गया, जैसा जैसा जमाना आता गया, तो गजल समाजी में या फिर सियासी मामलात में चले गई। तो सियासी मामलात का एक शेर आप तमाम के नजर करता हूं कि बनती हुई हमारी इमारत पे आ पड़ी। आहा, कि बनती हुई हमारी इमारत पे आ चढ़ी आ पड़ी, बेचारा जिंदगी है सियासत पे आ पड़ी। कि बनती हुई हमारी इमारत पे आ पड़ी, बेचारा जिंदगी है सियासत पर आ पड़ी। साजिश किसी की है या खुदा का है इम्तिहा, सारी बलाएं देखो तिजारत पे आ पड़ी। क्या सारी बलाएं देखो तिजारत पे आ पड़ी। साजिश किसी की है या खुदा का है इम्तिहा, सारी बलाएं देखो तिजारत पे आ पड़ी। अच्छा है। आइए हजरत, दामने वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, तो आपके सामने इस गजल को पेश करता हूं। सवाद फरमाए कि इश्क में ऐसी सजा देगा क्या, आहा, कि इश्क में ऐसी सजा देगा क्या, बेवजह मुझको रुला देगा क्या। क्या कहने अच्छा है अवैस। इश्क में ऐसी सजा देगा क्या, बेवजह मुझको रुला देगा क्या, सुना है फूलों से नफरत है तुझे, मेरा गुलशन भी जला देगा क्या। सुना है फूलों से नफरत है तुझे, मेरा गुलशन भी जला देगा क्या। और मैंने जो राज बताए हैं तुझे, कि मैंने जो राज बताए हैं तुझे, सारी दुनिया को बता देगा क्या। क्या कहने, सारी दुनिया को बता देगा क्या, सारी दुनिया को बता देगा क्या। बहुत अच्छा है, शुक्रिया करम नवाजिश। के इश्क में ऐसी सजा देगा क्या, बेवजह मुझको रुला देगा क्या, और ये सियासत है कोई खेल नहीं। के इश्क में ऐसी सजा देगा क्या, बेवजह मुझको रुला देगा क्या, ये सियासत है कोई खेल नहीं, मुझको नजरों से गिरा देगा क्या। कि ये सियासत है कोई खेल नहीं, मुझको नजरों से गिरा देगा क्या। और ये मोहब्बत है खुदा का तोहफा, ये मोहब्बत है खुदा का तोहफा, ऐ मेरे दोस्त भुला देगा क्या, ऐ मेरे दोस्त भुला देगा क्या। और एक किताबी माँ के हवाले से पेश करता हूं, सवाद फरमाए। जी पढ़िए साहब। के आंख से गिरता हुआ अश्क संभाला ना गया, के आंख से गिरता हुआ अश्क संभाला ना गया,
तेरी यादों को मेरे दिल से निकाला ना गया। क्या कहने के आंख से गिरता हुआ अश्क संभाला ना गया, के आंख से गिरता हुआ अश्क संभाला ना गया, तेरी यादों को मेरे दिल से निकाला ना गया। और वो तना होके भी सबका ध्यान रखती है, वो तनहा होके भी सबका ध्यान रखती है, चार बेटों से एक माँ को भी पाला ना गया। क्या कहने चार बेटों से एक माँ को भी पाला ना गया, चार बेटों से एक माँ को भी पाला ना गया, चार बेटों से एक माँ को भी पाला ना गया। शुक्रिया हजरत ग्रामी, ये मेरे लिए इजाज है कि मुन्ना बाबा ने मेरे को अपने तोहफे से नवाजा। मैं उनकी और तमाम शोहरा की इज्जत करता हूँ कि वो उन्होंने इस महफिल को अपना कीमती वक्त देकर बड़ा अच्छे तरीके से सजाया। तो आइए एक किताब आपके सामने पेश करता हूँ कि जो दिल से होती है सच्ची मोहब्बत कौन करता है, कि जो दिल से होती है सच्ची मोहब्बत कौन करता है, सब मतलब का जमाना है कि इज्जत कौन करता है। बहुत अच्छा है कि जो दिल से होती है सच्ची मोहब्बत कौन करता है, सब मतलब का जमाना है कि इज्जत कौन करता है। और सफर है मुश्किलों का और मैं तन्हा अकेला हूँ, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। बहुत अच्छा है। सफर है मुश्किलों का और मैं तन्हा अकेला हूँ, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। अस्सलामुअलैकुम।